हेलो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने समीकरणों के हल बीजगणितीय विधि से प्राप्त करना सीखा। इस सत्र में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्यामिति विधि से प्राप्त करना और उन्हें आलेख कागज पर आलेखित करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं ज्यामिति विधि मतलब क्या। जब हम किसी समीकरण को आलेख यानी ग्राफ पर दर्शाते हैं तो उसे ज्यामिति रूप में दर्शाना कहते हैं और आलेख से हल प्राप्त करने की विधि को ज्यामिति विधि कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लेते हैं, जैसे कि एक्स धन वाई बराबर 5। अब एक सारिणी बनाएंगे कुछ इस प्रकार, जहां हम x और y के लिए अलग अलग मान रखेंगे। यहां जब x की जगह 0 रखेंगे तो मिलेगा y बराबर 5, जब x की जगह 1 रखेंगे तो मिलेगा y बराबर 4, और जब x की जगह 2 रखेंगे तो मिलेगा y बराबर 3। और इसे हम निर्देशांक बिंदु के रूप में इस प्रकार लिख लेंगे, कोष्टक में 0.5, 1.4 और 2.3। दोस्तों, हम केवल 3 नहीं बल्कि ऐसे ही अनगिनत निर्देशांक बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आलेख कागज पर एक्स वाई अक्ष पर एक रेखा आलेखित करने के लिए 2 ही बिंदु पर्याप्त हैं। चलिए अब एक आलेख कागज पर एक्स और वाई अक्ष बना लें। दोनों अक्ष पर ध्यान पूर्वक इकाई स्थापित करें। अक्सर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिखते हैं। यह इकाई बिंदु के अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं और वहां हम 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई या 1 सेंटीमीटर बराबर 3 इकाई इत्यादि भी रख सकते हैं। अब यह 3 बिंदु आलेखित करें। एक्स 0 और वाई 5, यह बिंदु यहां पर होगा। 1 और 4 कुछ इस प्रकार यहां पर होगा। आप एक्स अक्ष पर बिंदु 1 से एक लंब रेखा खींचकर और उसी प्रकार वाई अक्ष पर बिंदु 4 से सीधी रेखा खींचकर भी प्रतिच्छेदन बिंदु दर्शा सकते हैं और आखिरी बिंदु 2.3 होगा यहाँ पर। अब हम इन 3 बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा आलेखित करेंगे और इस प्रकार एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम आलेख कागज पर आलेखित करते हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। दिए गए समीकरण को आलेख पर दर्शाइए, y बराबर 2x। हम सबसे पहले 3 निर्देशांक बिंदु प्राप्त करते हैं। हमें मिला कोष्टक में 0.0, 1.2 और 2.4। अब इसका आलेख बनाते हैं। सबसे पहले x और y अक्ष बनाते हैं और सही इकाई स्थापित करते हैं। अब बिंदुओं को आलेखित करते हैं और इन बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा बनाते हैं। चलिए हमारे द्वारा बनाए गए इन 2 आलेखों की तुलना करें तो हमें 2 प्रकार की रेखाएं मिली, एक जो केंद्र से नहीं गुजरती और दूसरी जो केंद्र से होकर गुजरती है। वैसे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप यह होता है, ax(by)c बराबर 0, और इस सामान्य रूप में अगर c 0 हो तो यह वह रेखा होगी जो केंद्र से गुजरती है, यानी यह केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा का सामान्य रूप होगा। आप इनके आलेख बनाकर जांच सकते हैं कि यह रेखाएं केंद्र से गुजरती हैं या नहीं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक रेखा क्या होती है या एक रेखा में किन चीजों का समावेश होता है या वह कैसे बनती है? आप थोड़ा समय लेकर सोच सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी रेखा अनगिनत बिंदुओं के समूह से प्राप्त होती है या असीमित बिंदुओं की श्रृंखला से रेखा का निर्माण होता है? जी हाँ। तो जब यह रेखा अनगिनत बिंदु ही हैं, यानी अगर आलेख की बात करें तो हर एक बिंदु x और y अक्ष का निर्देशांक बिंदु है और उसे ही हम समीकरण का हल कहते हैं, यानी इस रेखा पर उपस्थित हर एक बिंदु इस समीकरण का हल है, जिसे हम इस प्रकार x तथा y अक्ष पर लंब डालकर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिन 3 बिंदुओं का इस्तेमाल करके हमने इस रेखा का निर्माण किया है वह 3 बिंदु इस समीकरण के हल हैं। इसके अलावा इस समीकरण के अनगिनत हल हैं। इस रेखा के बाहर कोई भी बिंदु इस समीकरण का हल नहीं है। दोस्तों, जाते जाते इस प्रश्न का जवाब दीजिए।
एक बिंदु और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो या उससे अधिक बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा जाती है, लेकिन एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्यामिति विधि से प्राप्त करना और उन्हें आलेख कागज पर आलेखित करना सीखा। अगले वीडियो में इस विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।